भानेबाजिया ये तिगड़में जो आप लड़ाते रहते हैं अल्लाह राम से दूर होने की कहीं इतनी तिगड़म बाजी इतनी सुमरन भक्ति में टाइम लगा दो मालिक आपके सामने आके खड़ा हो जाए बोल बेटा क्या चाहिए पर ढीठ लोग बेशर्म कौन सी खानदानी पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे इंसान राम जाने क्योंकि खानदानी तो कंस की भी देवी देवताओं वाली थी खानदानी में वो पैदा हुआ लेकिन हुआ क्या राक्षस कर्म जैसे कर्म इंसान करता है जैसे लोगों की सोहबत करता है जैसी चंडाल चौकड़ी में पंचायत तो नहीं कहेंगे चंडाल चौकड़ी में बैठता है वैसा उस पर रंग चढ़ता है फिर बहाने ढूंढता है दोष देने के लिए अल्लाह राम को उस मालिक खुदा को नाच न जाने आंगन टेडन नच्चे न जावे द्रिफिटे मुँह सुल्लाण अपने पे नहीं डालते कभी किसी का बहाना लेते हैं कभी किसी का बहाना कभी किसी का बहाना तो ऐसे निंदक ऐसे बुरा करने वालों का हशर दोनों जहाँ में बुरा होता है और कहीं ढोई नहीं मिलती चौधराहट कईयों की तो चौधराहट चली जाती है तो बौखला जाते हैं कईयों को धन दौलत ज़मीन जायद नहीं मिलती जमीन जायदाद जो वो मांगते हैं गाड़ियाँ मांगते हैं फौज चाहिए फलाँ चाहिए धींकड़ चाहिए ना दो तो भागते हैं ऐसे लोग फिर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं और कानों के जो कच्चे होते हैं करते वो उन्हीं पे असर हैं कि भाई ये थोड़ा सा बिदका हुआ है क्योंकि जो बिदका घोड़ा है उसको एक डंडा और मारो और बिदक जाता है तो इसी तरह वो देखते हैं कि कौन अल्लाह राम के राह से हट रहा है तो उसकी दुखती रग को पकड़ के चलाक शातिर लोग उसको बुद्धू बना के उसको गुमराह कर देते हैं तो ऐसे कलयुग में ऐसे लोगों से 100 परसेंट सावधान रहो तरह तरह की बात बनाते हैं तरह तरह की चर्चा करते हैं और खुद के अवगुण नहीं गाते कि मेरे में अवगुण है तो ऐसा है सो इस कलयुग में भाई आप इंसान बन के आए हैं नाम जपो मालिका मालिक की औलाद का भला करो सबका भला सोचो किसी का बुरा ना गाओ किसी का बुरा ना सुनो क्योंकि आप अपना देखो अल्लाह राम ने आपका क्या बुरा किया है कौन सा आपको बदुआ दे दी जिसकी वजह से आप दुखी हैं अपने कर्मों की वजह से हर कोई दुखी हर कोई सुखी इस संसार में होता रहता है कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े छोटे कईयों को सोटों का इंतजार है और राम से यही चाहते हैं कि मालिक थोड़ा बहुत चुटका तो दिखाई दिया कर क्या पता उन चुटकों से वो ठीक हो जाए अगर वैसे नहीं हो रहे तो सो हम तो राम से दुआ ही करते हैं कि भला हो जाए छोटा सा चुटका तो ठीक ही रहता बड़े बड़ा तो फिर फिर तो मुश्किल हो जाता है कहीं को ये अहंकार है खुद ही है कि हमारा क्या क्या हो जाएगा देख लेंगे तो राम तू तो दया का सागर है माना कि दोनों जहाँ का दाता है पर दाता आज तेरा आदमी इतना बिगड़ चुका है या बिगड़ैल बन गया है या यूं कहें कि शैतान का बाप चुड़ैल का बाप बन गया है तू अगर सुधारना चाहे तेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं सो मालिक की मर्जी वो कैसे किसी को सुधारता है संतु दुआ यही करते हैं कि सबको सुधार सबको नेकी की राह पे चला हर कोई इंसान सुधर जाए हर कोई भले कर्म करे ताकि मालिक तेरे दर्शन कर सके और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो सके